वेलकम प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बकरियों को खाल खिला रहे हैं, खाल खाने का तरीका बताऊँ मैं आपको। ये खुरली है ना, ये आ रहा था, ये डाल दिया मैंने खुरलियों में। अब ये दो घंटे जो है ना, ज़्यादातर दो घंटे बस, उसके बाद आप गंदम मिक्स करूँगा ना तो ये बड़े शौक से खाएंगी माशाल्लाह। चल यार माल कोरते लाओ। गंदम मिक्स करूंगा ना माशाल्लाह, ये बड़े शौक से। नाल कैमरा कर यार, गंदम चाओ है जल्दी आ चाओ। अच्छा वो ये देखे माशाल्लाह, इधर इधर बड़े खुश होके खा रहे हैं, खुश होते थे का बस कर। एक मिनट है, ओए ओए बकरे औरते आवाडे यार, इन बकरे को औरते करी। माशाल्लाह ये खुराक है आपके सामने है, और ये खाल मैंने डाल दिया और गंदम इसमें मिक्स करूंगा। ये मोटी भी होती है, सेहत भी निकालती है जानवर जो भी है ना। आप खुराक में आपको पूरी मालूमात दे दूं क्या क्या खिलाएं और क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। और ये देखा माशाल्लाह, हमें हर चीज़ के तजर्बे क्या क्या करें और क्या क्या ना करें माशाल्लाह। और आपको खुराक और जो बकरी को थोड़ी दवाई वगैरह के मुतालिक भी बता देता हूँ, और काफ़ी सारे दोस्त काफ़ी भी कर रहे हैं हमारी वीडियो की। चल यार हेकमैन, इसमें गंदम डाल देंगे ना, और ये गंदम क्या करती है, इसको मोटा और सेहत और वजन करता है जानवर। ठीक है, आप जितना चीज़ ज़्यादा खिलाओगे ना इसको, उतना ये सेहत और काद करेगी खाल और गंदम से। खाल भी जाओ यार जल्दी आ। ये माशाल्लाह इनमें आपको बहुत ही फायदा है खुराक, ये कितना खर्चे इनके नहीं है बकरियों के। माशाल्लाह तकरीबन 100 बकरी में 2000 के करीब करीब इसका खर्चा है। अधिकार के मालिक तो तकरीबन 2000 का खर्चा आएगा आप 100 बकरियों में। तो फार्म में आप इस तरह ये गंदम तूड़ी खाल चौकर ये चीज़ें तरतीब से जिस तरह खिलानी चाहते हैं ना वो लोग, और वो मैं आपको तरतीब बना देता हूँ क्या क्या करना चाहिए। इधर नाल चाह यार खुराक निकाल दो इधर नाल का। ये दो घंटे इसमें पानी नहीं निकला, और ये ताकत होती है इस पानी में, और ज़्यादा देर डुबाओगे ना पानी में और पानी उसका रस जो है ना निकल जाता है खाल का। अगर कोई खाल नहीं खा रही उसको पानी टाइम पे रखा करो, टाइम के साथ वो पानी पिएगी, उसके बाद चरा करती है। बकरियां बाज़ बाज़ होती है ना, और पानी कोई नहीं पीती उसको पानी ज़रूर रखें, और पानी तीन टाइम साफ सुथरा उदे ठीक आ रहा नहीं यार उदे थी हाल एक मिनट सब बैठे का बकरे दे करा यार जल्दी थी सर ले बंदर साथ। अरे वो माल हक्के लो सारा बिया किथा खड़े ओए तल्ला गया सारा माल पे, और इसमें गन्ना मिक्स करेंगे ना माशाल्लाह, फिर इसको खाते देखना। और ये राज भी जाती हैं, और इसकी जान को और सेहत को जो है ना ये वजन करती हैं, और माशाल्लाह मोटी होती है बकरियाँ। ये देख रहे हो ना 112 बकरियाँ सारी अपनी मर्जी से खा रही हैं और पी रही हैं माशाल्लाह, मज़े खा रही हैं। और बाकी एक बात ज़रूर बताऊँगा आपको, अगर जो बकरी ना खा रही हो ना यकीन मानो गुस्सा आता है, अगर जो जानवर खा रहा है दिल खुश हो जाता है, ये चीज़ें हैं। और कोई बकरी ढीली है इस तरह समझो बकरी का मालिक जो है ना वो भी ऐसे करता है, बकरी बीमार है उसको थोड़ी टेंशन, टेंशन लेने की बात नहीं है। टाइम के साथ आप उसकी वैक्सीन वगैरह करा लिया करो, और माशाल्लाह ये जानवर है ना माशाल्लाह, जितना आप प्यार करोगे उतना जानवर आपसे प्यार होगा। आप जहाँ भी जाओगे ये आपके पीछे आएंगे, ये वो चीज़ें हैं। आप दो दिन चार दिन हफ्ता आप इनको खुराक डालो और खुराक खिलाओगे ना माशाल्लाह ये आपके पीछे पीछे ही होंगी।
माशाल्लाह इनमें पालने में सवाब भी है और मुनाफा भी है, कारोबार भी है, बिजनेस भी है। कोई भी भाई किसी सेटिंग करना चाहते कोई किसी किस्म की भी माशाल्लाह ये कर सकता है खुराक के लिए। और इसमें तूड़ी चौकर में थोड़ी सी गंदम लाजमी हो, तूड़ी चौकर आपके पास नहीं है और जो मकई का सैलेज आ गया है वो भी ज़बरदस्त है। लेकिन सैलेज अगर जिस टाइम नहीं है, मकई का सैलेज होता है, मकई को 20 दिन अंदर रख के ना उसका टोका छोटी छोटी करके ना तो वो जो है ना डाल देते हैं, वो साल रखी रहे बोरियों में डाल देना है आपने, वो तो आराम से रह लेगी क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होता सैलेज, वो ज़बरदस्त है। लेकिन ये खाल खुशो खुराक है जो शहरों में पाल रहे हैं या कहीं भी पालो माशाल्लाह ये शौक से भी खाएंगे और कद वजन सेहत निकालेगा जानवर। अगर बकरा पाल रहे हो या कोई चीज़ भी खा रहे हो ना माशाल्लाह ये आप करें माशाल्लाह ये आप सारे जानवर देख रहे हो ना खा रहे हैं बड़े दिल खुश करके। दाने चाहिए भाई? क्या दाने? दाने फिक्के पर में चाह अभी थोड़े में। और ये माशाल्लाह सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक से खा रहे हैं आपके सामने, जो फूल हो जाता है ना जिसका दिल करे वो खा लेता है, जिसका नहीं करे ये जो गंदम है ना इनके लिए बेस्ट है। गंदम तो ये बड़े खुश होकर खाती है और गंदम की वजह से इसकी जिल्द और इसकी हड्डियों में ताकत आती है और जो इसकी जिल्द है ना इसके बाल होते हैं मुलायम होते हैं और खूबसूरती निकालते हैं। अगर एक मिसाल के तौर पे आप कमज़ोर बकरी पालो उसको खाल और गंदम खिलाओ और आधा पो एक्स्ट्रा किलो कोई चीज़ ना हो उसमें तो खुश हो गंदम वो खिला के आप एक महीने तक आप चेक कर सकते हो ट्राई के तौर पे, जानवर आपको नज़र आ जाएगा ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप ट्राई के तौर पे आप दो चार बकरियां अगर आपके पास हैं उसको खिलाओ जो कमज़ोर हैं तो क्या कर रही हैं वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इसमें आपको माशाल्लाह फ़ायदा भी बहुत मिलेगा। क्योंकि बाद का दोस्त हैं बहुत सारे परेशान हैं, वो कह रहे हैं हम बकरों को क्या खिलाएँ, जो नए नए शौक है वो कहते हैं जल्दी से तो खुराक भी बकरी खा ले और एक ही दिन में मोटी हो जाए, वो नहीं होता और थोड़ा सा सब्र भी होता है, सब्र करने से जो है ना अल्लाह पाक इतना फल देता है, तो सब्र भी करो आराम से काम करो। तो बकरियों की जो गोट फार्मिंग है काफ़ी सारे शौकीन हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, वो कहते हैं आप खिला रहे हैं ये अभी से रिजल्ट आना शुरू हो जाए, इस तरह नहीं होता तो रला मिला काम होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये माशाल्लाह काद और वजन करती है। खाल जी मैंने मिनटों में इन्होंने सफाई कर ली है, एक खुरनी होगी आप देख सकते हो इसमें थोड़ी बच गई है, ये देखिए थोड़ी ये काम खाती है खाल वगैरह, अगर इसमें तूड़ी में गंदम डाल दोगे ना ये तो मिनटों में ये भी खाली काट लेंगे। यार गंदम चाह तो क्या है अच्छा, तो माशाल्लाह इनमें आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर सुस्त है ढीला है जानवर आप उसको वैक्सीन कराओ, वैक्सीन या आप खुद यार आप डॉक्टर हो इस तरह समझो, आप टीका लेके ना डाइक्लोरान का 20 रुपए का देंगे या 25 रुपए का, आपने ये गर्दन है ना गर्दन ये नाल कर यार करना, ये गर्दन है इस तरह ये देखो ये हड्डी से चुका के ये गोश्त के अंदर ही लगना चाहिए ठीक है, थोड़ा सा आधी सिरिंज अंदर चली जाएगी तो उधर ही उसको जो है ना लगा देना आपने जोर दे देना टीके का। तो अगर जिल्द वाला टीका कहना है जिल्द वाला टीका एवल, अगर जानवर आपका थोड़ी सी मलाइश या जिल्द कर रहा है ना एवल टीका लेके ना ये तकरीबन बड़ी बकरी 1.5 cc और अगर छोटी हो ना 1 cc उसकी जिल्द को क्या करना है आपने टीका लगा लेना है, उसके चाम को ऊपर खींच लेना है, उसके चाम में फिर आपने सुई जो है ना लगा देनी है क्योंकि डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी जिल्द में माशाल्लाह फिर असर हो जाएगा। अगर गोश्त में लगाओगे ना मसला हो जाएगा, उसका चाम तो आपको नज़र आ जाएगा ये जिल्द है, इस जिल्द को ऊपर ही डाल कर ये जिल्द है ना जिल्द इसको थोड़ा ऊपर खींचोगे ना तो वो सुई गोश्त से निकल आएगी, आपको महसूस होगा ये निकल आएगी तो फिर टीका आपने लगा देना है 1.5 cc अगर बड़ी बकरी है नहीं तो 1 cc। तो अगर आप डाइक्लोरान का टीका तो गोश्त में ही लगाना है, अगर बड़ा जानवर है बड़ा बकरा है फुल बड़ा है दो टीके लगाएं, या बकरी है फुल बड़ी अगर छोटी है तो एक, अगर आपका जानवर कुछ सुस्त है बीमार नहीं है कोई थकावट नैरो बयान का टीका लेके ना वो आप लगा दो। माशाल्लाह हर चीज़ के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं फिर भी लोग नहीं सोचते, फिर भी फ़ोन करते हैं यार साबिर भाई ये क्या करें क्या ना करें। और एक पाउडर मिलता है आपको 5 या 10 रुपए का मिलेगा आंखों वाला, मैं खुद पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ,
पाँच दस रुपए की पत्ती मिलेगी मेडिकल स्टोर से, आप कहीं भी चले जाओगे ना। ना बोराक, बोराक बोराक है उसका नाम, जो आपकी बकरियों के आंखों में जो है ना पानी अगर आ रहा है तो वो आप एक चूंडी लेके ना उसकी आंखों में डाल लेनी है, तो माशाल्लाह वो सेट हो जाएगा। अगर आपकी बकरी को जुकाम आ रहा है या कोई मसला हो रहा है तो घी होता है ना घी, वो आप इस तरह करो, घी लेके ना थोड़ा सा गर्म धूप पे रख लो या थोड़ा सा गर्म अनौसला करके ना ये जो बकरी की नासें हैं ना इसके नाक में डाल देनी है, इधर गर्म करके तो वो नीचे वगैरह मारेगी लेकिन वो सेट हो जाएगी। दो तीन दिन आपने ऐसे ही करना है, थोड़ा सा नौसड़ा करके, ये ना हो ये इसके होंठ भी सड़ जाए तो, लेकिन इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और ऐसे करके नहीं दिनार कर करना, तो इधर डाल देने आपने इसके नाक में, तो इसके नाक में जाएगा ना वो नीचे करेगी और वो जुकाम ऐसा ऐसा इनका सेट हो जाएगा। घी हो तो वो बेहतर रहेगा, अगर तेल हो जाए वो कोई इशू नहीं है। और एक टीका इनको वो नज़ले जुकाम के लिए वो भी बेस्ट है, अगर वो आपको नहीं फ़ायदा मिल रहा आप ये काम ज़रूर करें आप, तो पहले टीका लगा लेना बाकी जो है ना ये काम आपने ज़रूर करना है। चलो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक भी करना है, चलो दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है, चलो मज़ीद भी अच्छी मालूम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बकरों के बड़ा होने की तरीके हर तो किस्म के बताएँ आपको, गोट फार्म के लिए वीडियो बना रहे हैं और भी बनाएंगे माशाल्लाह, जितने भी आपने जानवर रखने हैं वो रख सकते हो। यार इन्हें जानवर इन्हें बोला यार लगा और ब्रीडर बारो काटन रखा था, हमने बांध दिया उस साइड पे, तो बड़े बकरे हैं पूरे नाल बांध पे इधर यहां मंडे भी हैं बकरा। औ औ औ औ औ ये आ रही हैं बकरियां माशाल्लाह, ये सामने कर रहा। तो सिर्फ दो घंटे आपने ब्रीडर को छोड़ देना बकरियों में, दो या तीन घंटे, दो तीन ब्रीडर हो ना और 15-20 बकरियां तो जल्दी से क्रॉस हो जाएंगी ना, बाकी ऐसा ऐसा काम अगर बकरियां ज़्यादा थी और ज़्यादा टाइम ब्रीडर छोड़ोगे ना उसमें ताकत और जो है ना वो नहीं रहेगी, उसमें ताकत जो होती है ना बच्चा सही नहीं आता, फिर कमज़ोर बच्चे आते हैं। अगर बकरा सेहतमंद उसको खुराक भी डालो आप टाइम के साथ और उसके बाद आप साइडिंग करो। इधर राशि तले वाला बकरे दिखा रहा और ये टेडी ब्रीडर माछला बैठा है और एक राजनपुरी ब्रीडर ये और ये बीतल ब्रीडर है और एक बड़ा राजनपुरी खड़ा हुआ है, खूबसूरत ब्रीडर है माशाल्लाह। और बाकी सारी बकरियां वहाँ पे खड़ी हुई हैं, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत बकरियां खड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और अगर सबक चाह रहा ना वो तो आप खिला सकते हो, जितना भी खिलाओ सुनिए। और लूसन जो बरसीन होती है ना शुरू शुरू में आपने काम खिलानी है, जब फुल तैयार हो जाए ना फिर जितना खिलाओ खिला सकते हो, अगर शुरू में कच्ची होती है ना तो बरसीन पाटा। एक होती है लूसन एक होती है बरसीन, लूसन ये होती है दो तीन साल तक चलती रहती है ऑटोमेटिक, वो अगर आप उगा लोगे ना अपनी ज़मीन में तो वो भी सही रहेगी। जो बरसीन है ना वो छः महीने तक होती है, वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। एक लूसन होती है वो तो लगातार चलती रहती है, एक लपोर आप काट लोगे दूसरा पीछे से तैयार हो जाएगा, अगर दूसरा चल गया फिर तीसरा, वो जल्दी जल्दी से ये काम स्टार्ट हो जाता है। अभी बरसीन वो लेके आ रहे हैं वो भी खिलाते हैं माशाल्लाह, तो अच्छी मालूमात भी देंगे इंशाल्लाह। अगर आपके पास बंदे नहीं हैं और आप इधर से जानवर ले गए हो तो वो भी इंशाल्लाह आपको देंगे पूरी मालूमात, पूरी सेटिंग करके ना आपको देंगे इंशाल्लाह जानवरों की। ये गंदम में ये बरसीन है, तो गंदम का फायदा क्या नहीं ना वो मैं कह दें, ये गंदम है लेकिन गंदम तो गंदम ही है ना, उसको बकरियों को तो नहीं खिलानी चाहिए, वो कीमती ज़्यादा होती है ना। और ये गंदम भी आ गई है और वो भी बकरियों के आपके साथ आएंगे माशाल्लाह। ये बरसीन है, इसी तरह की लूसन होती है वो काफ़ी अर्सा जो है ना वो चलती है लूसन जो है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अर्सा टांगती है, उसमें आप ये सब चार आपका खुद हो जाएगा माशाल्लाह। आप इसमें दलिया भी और गंदम भी है ये चौकर में डालें, जो तूड़ी चौकर बचा हुआ ना उसमें ये अभी जो गंदोरा नहीं खत्म कर देंगे। इधर राशिद सीधा दी, ये देख सकते हो माशाल्लाह इसमें दलिया मिक्स कर दिया, मैं कौन लेगा थोड़ा डाला, ये देख सकते हो नहीं देखो से जो तूड़ी में है ना थोड़ा दलिया करके वो डाल दो आप अगर वो हो सके तो। ये अभी कितनी तूड़ी बची हुई है खुद निकाल दो,
ये बचे हुए है ना, ये मिनटों में अभी खाली कर लेंगे जानवर, क्योंकि इसमें आपको फायदा भी ज्यादा मिलेगा। ये मिक्स कर दिया ना माशाल्लाह, और जितना ये देखो उधर उधर कैमरा घुमा यार, राशन माल निकाल देखो माशाल्लाह, हमें तो पंजाब ही सूबा हमारा जाना पंजाब ही है, पंजाब की आखिर में लास्ट में एंड में आ रहा है, सिंध भी नजदीक हो जाता है और बलूचिस्तान वाला एरिया जो है ना वो भी, पिंडी लाहौर जो भी शहर है ना हमारे, हम दरमियान में आ रहे हैं, एक साइड पे बलूचिस्तान है, एक कराची है, पिंडी इस्लामाबाद लाहौर, बिल्कुल दरमियान में हम बराबर से लगते हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर है सारे शहर, मुल्तान हमें नजदीक लगता है 100 किलोमीटर, राशि दिन लाल लिखे ना सारे मतलब। अगर फिर भी समझ ना आई हो कोई बात या कुछ समझ, आप रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, ये कमेंट कर सकते हैं इंशाल्लाह, उर्दू में कमेंट मैं पढ़ाऊंगा, उर्दू में आपको बताऊंगा, आप उर्दू में लिख के भेजना, नहीं तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज इंशाल्लाह मैं सारी आपको बातें बता दूंगा। ये माशाल्लाह सारी खा गए और फुल हो जाएंगे पेट इनके, बस दोपहर को इसको बाद में खाना खिलाना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें इंशाल्लाह, और भी नई नई वीडियो आएंगी आपके पास।